Please subscribe Khabar Plus 18 for latest news and updates. देखिए, मकर संक्रांति का त्यौहार जिस हिसाब से मनाते हैं उसी हिसाब से सबका एक आपस में होता है कि अपने बुजुर्गों का सम्मान करते हैं, उसी के तहत हमने भी आज किया है। मैं आपके माध्यम से बताऊंगा पूरे देशवासियों को भी, प्रदेशवासियों को भी, और ख़ासतौर पर टोंक सवाई माधोपुर लोगों को मकर संक्रांति की शुभकामनाएँ देता हूँ। और सबसे उम्मीद करता हूँ कि जो भी हम बुजुर्गों का सम्मान करते हैं वो हमारी संस्कृति है, उस हिसाब से करना चाहिए। हमेशा से पीछे से पूर्वजों का ये संस्कार चले आ रहे हैं, उसी के तहत में आज हमने भी जो भी मेरा परिवार है, ये परिवार के लोग रोज़ाना मेरे यहाँ पर आते हैं, तो सब परिवार के लोगों को आज मकर संक्रांति का त्यौहार पर हमने ये आपको कंबल देना, उनके कपड़े देना, औरतों के कपड़े देना, ये सबका एक त्यौहार मनाया है ताकि सबको भी खुशी मिले। क्योंकि 5 साल माननीय मोदी ने बहुत पैसा दिया है, आज भी स्टेट गवर्नमेंट अपना पैसा नहीं दे पा रही। सिर्फ और सिर्फ अगर नगर निकाय में पैसा आ रहा है तो माननीय मोदी के पैसे आ रहा है, पंचायतों में पैसा आ रहा है तो मोदी का पैसा आ रहा है, अगर मनरेगा में पैसा आ रहा है तो भी मोदी का पैसा आ रहा है। स्टेट गवर्नमेंट हर तरह से फेलियर है, कहीं भी अपना पैसा नहीं दे पा रही। कांग्रेस की पतंग काटने के लिए तैयार है? मैं समझता हूँ कांग्रेस की पतंग हमारे सामने है ही नहीं, अभी आपके सामने काटी है, फिर जड़ खरीद काट देंगे। और बढ़िया, देखिए आपके निवाई के अंदर निकाय चुनाव में नया संगठन आया, एनसी की 19 वार्डों से फिलहाल अब जैसी जानकारी है। देखिए, जिस हिसाब से निवाई की पंचायत समिति वो अपने नगर निकाय है, उसके नाते एक पीछे वो चेयरमैन रहे हैं, और चेयरमैन रहने के नाते वहाँ जयपुर के नज़दीक निवाई आ जाती है, उसमें काफ़ी कुछ कारोबार भी होता है, उसके नाते उस आदमी को उम्मीद है कि शायद मैं कुछ जिताऊंगा, और जिता के दोनों पार्टी के बीच में फंस गए कोई कोई होगा। लेकिन मैं आपको पूरी बात से कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की वोट पूर्णतः बहुमत से बनाकर 2/4 बहुत समय, कहीं कोई दोराय की बात नहीं है। मैं समझता हूँ कहीं भी किसी प्रकार की चुनौती है ही नहीं, क्योंकि सामने कोई आदमी आता ही नहीं है। जो अभी जिला उसमें लड़े थे, उसके जिला पंचायत समिति में जब लड़े, जो उनके जिला अध्यक्ष थे, उन्होंने अपनी एडी चोटी का जोर लगा लिया, तो वही कहीं पूर्ण नहीं पा पाए, वो खुद ही नहीं जीत पाए, तो आग कार्यकर्ताओं क्या जिताएंगे। पायलट ने दावा किया है कि पाटिल नगर पालिकाओं में कांग्रेस का पक्ष है, किसने? सचिन पायलट ने ऐसा है, मैंने बताया, सचिन पायलट के सामने अभी आप हुए हैं, अभी उसने सारे जोर लगा लिए थे, सारे लोग भेज लिए थे, तो अभी कुछ नहीं कर पाया, अभी सामने आएगा रिजल्ट, है सबके सामने आएगा। सचिन पायलट आए थे जी, उन्होंने रेल के मामले में ये कहा कि केंद्र सरकार हमें पैसा दे, स्टेट गवर्नमेंट पैसा देने के लिए तैयार है, केंद्र सरकार देख ऐसा है। आप भी भली भांति जानते हो, जैसे ही वहाँ सेंशन होकर निकलती है, केंद्र सरकार का सिस्टम है, जैसे ही केंद्र सरकार की वो निकलती है तो केंद्र ने पैसे दे दिया, 10 करोड़ रुपये अलॉट भी कर दिए थे, यहाँ सारे काम हो भी गए, उसके बाद में स्टेट गवर्नमेंट अपने करें तो सेंटर का पैसा तो तुरंत आता है, सेंटर के पैसे में कहीं रुकावट नहीं है। अभी मेडिकल कॉलेज का पैसा आया पड़ा है, मेडिकल कॉलेज का अगर 40% दे दें तो मेडिकल कॉलेज शुरू हो जाए। पंचायतों में आज तक स्टेट गवर्नमेंट का एक नया पैसा नहीं आया ना, आपके सामने कह रहा हूँ। नगर निकायों में 14 वित्त आयोग का और 15 वित्त आयोग का माननीय मोदी का पैसा तो आया है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट का एक नया पैसा अभी तक नहीं आया। थैंक यू सर। और आगे भी मैं बता दूँ, एक मिनट और रोक लो। ऐसा है कि जिस बात के लिए सचिन पायलट जी कह रहे हैं कि अगर मान लो सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा दे, तो अभी 10 दिन पहले ही पीछे जो लोग विधानसभा चली थी, हमारे मालपुरा के विधायक ने एक क्वेश्चन लगाया था और खुद मुख्यमंत्री ने जवाब दिया था कि मेरे पास पैसा नहीं है, रेल का मैं नहीं दे सकता। और मैं आपके माध्यम कहूँ, वो तो बहुत बड़ी बात है, रेल का पैसा देना तो बात है, 30 करोड़ रुपए आपने विधायक होते हुए ना दें, आपने विधानसभा में घोषित किए हुए हैं कि टोंक शहर के लिए 30 करोड़ रुपये सड़कों के लिए मैं दे रहा हूँ, मैं इंतजार कर रहा हूँ कब आके वो सड़कें बनेंगी। Please subscribe Khabar Plus 18 for the latest news and update and press the bell button.